मैं आज बहुत दिनों के बाद इस ट्रांसमीटर या रिमोट जो भी कहो इसे हाथ लगा रहा हूँ, तो मेरा प्लेन उड़ाने का जो रिफ्लेक्स था वो खराब ही नहीं बहुत खराब हो चुका है। तो इस वजह से मुझे चाहिए एक स्लो फ्लाइंग प्लेन ताकि मैं उसे कंट्रोल कर पाऊँ, और उसके लिए सबसे बढ़िया है अंडर कैम्बर एयरफॉयल। जैसे कि ये एक अंडर कैम्बर एयरफॉयल है, और इसका खासियत यह है कि अंडर कैम्बर एयरफॉयल में लिफ्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसमें इतना ज़्यादा ड्रैग होता है कि प्लेन बहुत स्लो फ्लाई करता है। और ये जो ट्राई प्लेन है इसका अगर फ्लाइंग वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और लास्ट टाइम मैं जब इसे उड़ा रहा था तो मुझे याद है ये बहुत अंडर पावर फील हो रहा था, मतलब इसमें जो मोटर लगा है उसमें इतना दम नहीं था, तो मैं मोटर तो चेंज नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, इसका नीचे का जो विंग है ना इसे काट दूंगा ताकि इसका जो ड्रैग है ये थोड़ा कम हो जाएगा, और लिफ्ट इसमें इनफ रहता है, लिफ्ट लेके कोई मतलब ना कोई चिंता करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पर ड्रैग थोड़ा कम हो जाएगा तो ये उतना अंडर पावर फील नहीं होगा। पर इसमें एक दिक्कत रहेगा जो मेरे को थोड़ा सोच में डाल रहा है कि क्या होगा, कि इसमें सिर्फ 3 चैनल है, मतलब इसमें कोई एरोलॉन नहीं है, तो जब भी मैं टार्न लूँगा ना तो क्या होता है अगर मैं राइट साइड में टार्न लेता हूँ तो राइट साइड पर ऐसा टिल्ट हो जाता है। उसे हम तो एरोलॉन से कंपनसेट कर सकते थे, पर इसमें जैसे कि एरोलॉन नहीं है तो इसलिए हम जब भी इस प्लेन को घुमाना पड़ता है मतलब टर्न करना पड़ता है तो इसका टर्निंग का जो रेडियस है ये बहुत बड़ा होता है, पर मैं चाहता हूँ इसे इस छोटी जगह में उड़ाना, तो मेरे ख्याल से ये टिप स्टॉल हो सकता है, मतलब जैसे ही मैं टाइट टर्न लूँ वो इतना ज़्यादा बैंक हो जाए मतलब टिल्ट हो जाए कि वो तुरंत वहाँ से क्रैश कर जाए। तो ये एक सोचने वाली बात है, तो चलो देखते हैं क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो ड्राइंग बोर्ड तो है, फिर से नया डिज़ाइन बना लेते क्या फर्क पड़ता है। तो अभी ये उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, चलो पहले टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने सोचा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैं टाइट टर्न लेता हूँ ये तुरंत उसी तरफ इतना ज़्यादा टिल्ट हो जाता है कि वो फिर रिकवरेबल ही नहीं रहता। हाँ, रिकवर कर सकते हैं अगर हम इसे बहुत हाइट में उड़ाते हैं, फिर ऐसे टिल्ट हो जाएगा, फिर हम इसे ठीक कर सकते, पर यहाँ पे इतने क्राउडेड जगह पे उतना टाइम नहीं मिल रहा। तो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, अब नया डिज़ाइन के साथ नया प्लेन बनाना पड़ेगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हॉबी हिंदी में और जानिए हॉबी रिलेटेड छोटी मोटी बातें।